राधे राधे की गूंज से ग्वालियर गुंजायमान हुआ। सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक भगवान कृष्ण बन करके सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में कठोरताल छत्री अम्बा जी की छत्री पे आए, जहाँ पर आर्यमान युवराज सिंधिया जी ने बच्चों को पुरस्कृत किया और छोटे छोटे बच्चों ने भगवान कृष्ण बनकर सुंदर बाल लीलाएं करी और नृत्य किया और सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये पूरा वृंदावन ही आज बन चुका है। सुंदर झांकियों के साथ में छोटे छोटे बच्चों ने बड़े मनमोहक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सुंदर नृत्य करते हुए राधा कृष्ण बन करके के श्रद्धालुओं को भजन पर झूम कर नचाया। साथ में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाया गया। हजारों श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हुए और भगवान की सुंदर झांकियों को देखा। इस पूरे कार्यक्रम का श्रोताओं मनमोहन शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें चिरंजीव दिव्यांश शर्मा को युवराज आर्यमान सिंधिया जी ने पुरस्कृत किया और अन्य बच्चों को भी पुरस्कृत किया, तथा इसमें पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी भी पधारे। वाह, मनमोहक झांकियों का सभी ने आनंद लिया।